ओके तो आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एनसीईआरटी इतिहास 6ठी क्लास के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे अतीत, हाँ ना, हमारे अतीत पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 1 हमारे अतीत मतलब जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है उसको कवर करेंगे, जिसका पहला चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखा जाए तो जो हमारे अतीत पार्ट 1 है इतिहास के लिए उसमें टोटल 11 चैप्टर है, तो ये आज हमारा पहला वीडियो है। ऐसे ही आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगा और 11 दिन में आप लोगों की 6th क्लास की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है, तो एक उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे कि जैसे ही आप लोग जब जीएस में आंसर्स लिखेंगे यूपीएससी के लिए, तो आप लोगों को वहाँ पर आप लोगों की समझ ज़्यादा विकसित होनी चाहिए, है ना। आप लोगों के बेसिक्स पूरे क्लियर होना चाहिए, तो अगर आप लोग के बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो आपका जो आंसर है उतना खूबसूरत दिखाई देगा। तो आप लोगों के आंसर को खूबसूरत बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो ये बुक जो है वो एनसीईआरटी की है, तो यहाँ पर जो बुक का नाम है वो क्या है, हमारे अतीत, है ना। क्या नाम है बुक का, हमारे अतीत। अब यहाँ पर हमारे अतीत का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के अतीत होते हैं, है ना। जो आपका अतीत है वो हो सकता है कि मेरा ना हो, जो मेरा अतीत है वो हो सकता है वो किसी और का ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे अतीत इन शब्द को बोला गया है। क्योंकि देखो जब हम लोग बात करते हैं बहुत पुराने समय की, तो हो सकता है ना कि वहाँ पर कुछ लोग गांव में रहते हो, कुछ लोग शहर में रहते हो, तो दोनों के अतीत अलग अलग है, इसीलिए हमारे अतीत इस पुस्तक का नाम रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ लेंगे ये पूरी किताब, तो आप लोगों के मन में ये नहीं आना चाहिए कि हमारे अतीत तो हमने पढ़ लिए पर हमारे का मतलब क्या होता है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों के अलग अलग अतीत हो सकते हैं, इसीलिए हमारे अतीत। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही खूबसूरती से इस किताब को लिखा गया है, ये है रशीदा। ठीक है, तो मेनली इस किताब को इस तरीके से कवर किया गया है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, और थोड़ी ही देर बाद आपको इस बुक में उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग एक एक लाइन को समझेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, और जो हमारा चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये आपका बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो नंबर 1 है। कल आप लोगों को कल का जो हमारा वीडियो होगा 2nd चैप्टर पे होगा, आकट खाद्य संग्रह के भोजन उत्पादन तक, तो वो हम लोग कल कवर करेंगे। आज हमारा जो है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि रशीदा बैठकर अखबार पढ़ रही होती है। ठीक है, तो उसकी अचानक जो एक निगाह है वो एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। एक बहुत ही साधारण सी बात है, आप लोग अभी खुद सोचो कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। तो रशीदा के मन में भी एक क्वेश्चन आता है कि सच में 100 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कहाँ पर हुआ होगा और कैसे लोगों ने उस चीज़ को विकसित किया होगा, है ना। तो अब हम लोग इसका जवाब मिल सकता है कि कैसे पता लगाए, है ना, कैसे पता लगाए कि उस समय क्या हुआ था। देखो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पूरी एक स्टोरी बनाते हुए चलेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि बड़ी जर्नी है, आपको बड़े दूर तक जाना है, तो उसमें अगर आपकी एक स्टोरी बन जाती है पूरी एनसीईआरटी की, तो आपको बहुत आसानी से आप लोग एनसीईआरटी को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, आप लोग देखो, आप लोग आज हो, है ना, लेकिन आप अभी जब आपसे मैं अगर पूछूं कि 1 महीने पहले क्या हुआ था, तो आप लोग क्या करोगे, एक तो अभी YouTube का ज़माना आ गया है ना, गूगल का ज़माना आ गया है, तो आप लोग सिंपली गूगल YouTube करोगे। पर पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आप लोग अगर अभी गूगल करोगे तो आपको पता चल जरूर जाएगा, लेकिन आपको आपको उसके बारे में पढ़ना होगा, है ना। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे अतीत कैसे हुए, कैसे बने, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना। तो तुम रेडियो सुन सकते हो, उसके बाद आप टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर आप अखबार पढ़ सकते हो, है ना। साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो
जिसको वो सब चीज़ें याद हो, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है ना। तो अभी यहाँ पर हमारे मन में क्या क्वेश्चन आता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। अब बहुत पुरानी बात है, तो अतीत के बारे में हम लोग ये चीज़ जान सकते हैं कि वो खाते क्या थे, है ना, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो किस तरह के घर में रहते थे। हमें आंखें आंखें टकू, मतलब आंखें टकू का मतलब क्या होता है, शिकारिया, मतलब जो लोग शिकार करते हैं उनको आंखें टकू बोलते हैं। देखो कोई भी शब्द, जैसे ये आंखें टकू हो गया ना, कोई भी शब्द हो, हम एक एक शब्द को लेते हुए चलेंगे, एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम आराम से समझते हुए आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुने करते थे, कौन से नाटक देखे करते थे या कौन से गीत गाते थे, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, अभी हम लोग एक एक चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि लोग लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मानचित्र वन। तो हम लोग क्या करेंगे, मानचित्र वन पृष्ठ दो में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो हम लोग पहले देख लेंगे कि जो हमारा ये मानचित्र है यहाँ पर नर्मदा नदी कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी ये है जो कि अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिलती है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, है ना। तो हमको पता चल गया कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी तट पर रहते हैं। बहुत ही आप लोगों ने कहानियाँ सुने होंगे कि बहुत समय पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों को विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यही से संग्रह किया करते थे। मतलब जो नदी थी उसी के किनारों से वे जड़ों को लेते थे, उसके बाद जंगलों को, उत्पादकों को, और वो यही से सब चीज़ों को संग्रह करते हुए चलते थे। ये जानवरों को आखिर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसके पहले क्या लिखा हुआ था, इसके पहले लिखा था आखेट टको, ठीक है। तो यहाँ पे आखेट मतलब वो शिकार भी करते थे, अपनी जो उनको खाने के लिए वो शिकार भी किया करते थे। उसके बाद अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हम लोग सीधा इस मैप के ऊपर चलेंगे। उत्तर पश्चिम यहाँ पर आता है, तो देखो ये किरधर और सुलेमान, है ना, ये पहाड़ियों इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8,000 पूर्व, है ना, ये 8,000 वर्ष पूर्व क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं पहले ही, क्योंकि इस किताब में बहुत खूबसूरती के साथ से इसको समझाया गया। तो हम लोग पहले वो समझ लेते हैं कि ये ईसा पूर्वी, BC, BCE, ये सब चीज़ें क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नीचे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर हम लोगों ने समझ लिए तो आप लोग जितना भी इतिहास पढ़ेंगे उसमें आपको यहाँ पर किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंग्रेजी में BC, है ना, BC, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। मतलब जहाँ पर भी हम लोग को ईसा पूर्व दिखा इसका मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। अब आगे चलते हैं, कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, मतलब हम लोगों ने देखे होंगे कभी कभी AD भी लिखा रहता है, जैसे हिंदी में हम लोग इसको पढ़े तो यहाँ पे सिर्फ ईस्वी ऐसा लिखा रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये AD को होता है एनो डोमिनी, ठीक है, नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के वर्ष है। इसका मतलब ये है कि ये जो एनोडामिनी है ये दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है, और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहाँ से जो चीज़ों को काउंट किया जाता है उसको हम लोग AD या फिर ईस्वी लिखते हैं। कभी कभी AD की जगह CE, मतलब कभी कभी ये AD की जगह आपको CE देखने को मिल सकता है। उसके बाद BC की जगह आप लोगों को BCE दिखाई दे सकता है, ठीक है, उसका CE आपको कभी कभी ये CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा, मतलब अगर आप लोगों को यहाँ पर BCE लिखा है तो ये बिफोर कॉमन एरा है, और ये आप लोगों को क्या बोलते रहे, BC
ई लिखा है तो मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। मतलब हम लोग इस कैलेंडर का उपयोग करके जो भी चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो इन कैलेंडरों के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व में आरंभ हुआ था। मतलब 200 वर्ष पहले से ये प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं उनका पता लगाओ, तो हम लोग ये बाद में पता लगाएंगे। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को BC क्या होता है, AD क्या होता है, BCE क्या होता है, ठीक है ना, बिफोर कॉमन एरा क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को कॉमन एरा क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में आ गई। तो यही सब चीज़ों में आप लोगों को रहना है, यही चीज़ों को आप लोगों को समझना है, तो इन चीज़ों को हम लोग वो इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो आप लोगों को ये सब चीज़ों को लेकर चलना होगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो यहाँ पर उसके बाद स्त्री पूर्व ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया। मतलब जो गेहूं की फसल होती है और उसके बाद आपकी जो जौ जैसी फसलें होती है उसका कब, जहाँ 8000 वर्ष पूर्व पहले इसकी उपजाना इसको प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरियों तथा गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। मतलब जो पशु थे जिनको उन लोगों ने क्या किया, पालना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ों का उपयोग करके आप लोग बहुत सारी चीज़ों को उपयोग में लेके इसका सेवन कर सकते हैं, है ना। फिर उसका पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गोरा तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ पर जैसे हम लोग उत्तर पूर्व में गोरा तथा मध्य भारत को यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, है ना। अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी सबसे ज़्यादा हमको पता होना चाहिए कि राइस सिटी कौन सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट को चावल नगरी अभी यहाँ पर कहते हैं, है ना। तो विंध्य के उत्तर में स्थित थे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदी का पता लगा। अब सहायक नदी क्या होती है, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। इसका मतलब समझिए आप लोग, जैसी कि हमारी एक गंगा नदी है, तो गंगा नदी में जितनी भी नदियाँ जाके मिल रही है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गंगा नदी है, तो ये देखो गंगा नदी में जाके कौन सी नदी मिल रही है, सोन नदी जाके मिल रही है, उसके बाद चंबल नदी जाके गंगा में मिल रही है। तो ऐसी नदियों को क्या कहा जाता है, सहायक नदी कहा जाता है, है ना। सहायक नदी ऐसी नदियों को कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब इतने साल पहले इन्हीं जगहों पर कुछ आरंभिक नगर, मतलब शुरुआत के जो गाँव थे वो इन्हीं जगहों पर इनकी उत्पन्ना हुई या फिर इन लोग यहाँ से शुरू हुए। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। उसके बाद गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो जैसे हमको पता है कि गंगा नदी और सोन नदी कहाँ है, तो देखो ये जो सोन नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है गंगा की। मतलब ये गंगा बड़ी नदी है, छोटी मोटी जो नदियाँ हैं वो जाके गंगा में मिल जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। तो सोन नदी क्या हुई, हमारी सहायक नदी हुई। उसके बाद गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, अभी आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में जिसको मगध कहते थे उसको वर्तमान में बिहार नाम से भी जाना जाता है। मतलब अभी जो बिहार है वो पहले प्राचीन काल में मगध हुआ करता था। इसके पहले इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। जैसे अगर अभी आप लोगों को यात्रा करना है तो हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम लोग फ्लाइट से आना जाना कर सकते हैं, हम लोग ट्रेन से आना जाना कर सकते हैं, हम लोग कार से आना जाना कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि उतने साल पहले लोग कैसे यात्रा करते होंगे, तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊँचे पर्वतों
पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर वो लोग क्या करते थे, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। इतनी कठिनाइयाँ उन रास्तों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उतने खतरनाक खतरनाक जानवर, तो भी उनके लिए वो असंभव नहीं था। इसलिए अगर आप लोगों ने ठान लिया है कि आप लोग कोई भी परीक्षा को पास करना चाहेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल असंभव नहीं है। अगर आप लोग प्रयास करते रहते हैं, तो आप लोग सौ वे उस परीक्षा को पास करने में आप लोग सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अभी अगर आप लोगों को समझ लो कोई काम चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, एक शहर से दूसरे शहर जाते हो। जैसे आपको पता है कि यूपीएससी की आपको परीक्षा पास करनी है, तो अभी लोगों ने क्या मेंटेलिटी बना ली है कि आप लोग जब तक दिल्ली में नहीं जाओगे, तब तक आपकी यूपीएससी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यूपीएससी की पढ़ाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाना होगा। तो वैसे ही उस समय लोग क्या बोलते हैं उसको, काम की तलाश में या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। तो कभी-कभी क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या करते थे, विजय हासिल करने के लिए जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जैसे आपको पता है कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से हमारे भारत की खोज उसने किया था। ठीक है, तो जब उसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज किया था, तो क्या वो खाली हाथ आ गया था क्या? नहीं, उन्हें जहाज़ों में बहुत सारे ऐसे काम के सामान लाया होगा, जिस सामानों की आवश्यकता उसको समय समय पर पड़ी होंगी। तो वैसे ही लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो बहुत सारी मूल्यवान वस्तुओं को वो साथ में लेकर चलते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव तक, कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कस्बे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को कस्बे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग धर्म गुरु थे, जो अपने धर्म को उस समय फैला रहे थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अभी आप लोग जैसे पढ़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वैसे ही ये लोग अपने धर्म को फैलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज में उस उत्सुक जैसे उच्च मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। ठीक है, तो कैसा होता है, जैसे आप लोग को अभी ट्रैवल करके है ना, बहुत आपको घूमना पसंद है, तो आप घूमने के लिए नई नई जगह की खोज करते हो। उस समय में भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग थे, जो कि एक जगह से दूसरे जगह, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे यात्रा करने के लिए। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जैसे आप लोग अलग अलग जगहों पर जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा, अलग अलग चीज़ों को लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को अलग अलग चीज़ों को सीखने को मिलेगा। वैसे ही उन लोगों को भी एक दूसरे को या एक दूसरों के विचारों को जानने का मौका मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, जो मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको पूरे एक तरीके से अभी आप सोचोगे मन में कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, जो मैंने आपको बताया वही है, लेकिन आप अलग अलग हिसाब से सोचेंगे। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोगों को यहाँ आए और यही बस गए। लोगों ने इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, तो उस समय लोगों ने जो चीज़ सोचे वो कर लिए। जैसे हम लोग अभी कुछ चीज़ें सोचते हैं तो वो जो हम लोग कर पाते हैं, वैसे ही कई साल पहले लोगों ने भी कुछ चीज़ें सोचे और फिर उस चीज़ों को उन लोगों ने कर लिए। और जो आज हमारी संस्कृति चली आ रही है, वो पुराने लोगों के कारण चली आ रही है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ से उसको कंटिन्यू किया और आज भी हमारी जो संस्कृति है और जो हमारी परंपराएं है वो समृद्ध है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में लोगों से पूछते थे, विचारों को अपनाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे लोग
इन सब चीज़ों को सीखने लगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ तक समझी। उसके बाद देश के नाम, ठीक है, देश के नाम जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखे होंगे, कुछ लोगों का कहना है कि भारत नाम रख देना चाहिए इंडिया का। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें पहले से ही चली आ रही है, जब कुछ भी नहीं था तो देशों के नाम रखे होंगे उस समय पे। तो देश के नाम किस प्रकार से रखे वो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हमको पता है कि इंडिया और भारत नाम हम अपने भारत के नाम से पुकारते हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे, ये नाम, है ना, ये देश का नाम आया कैसे। तो इंडिया एक इंडस शब्द से निकला हुआ है ना, एक इंडस शब्द है जिससे इंडिया निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलास में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व पहले उत्तर पश्चिम की ओर जो लोग वहाँ से आए, ईरानिया और यूनानिया ने सिंधु सिंधु को हिंदोस, है ना, उन लोगों ने क्या कहे, सिंधु को, जैसे अभी क्या होता है, जैसे जो सिंधु है ना, तो उन लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो स को ह पढ़ते थे, तो उन लोगों ने सिंधु सिंधु को क्या कर दिए, हिंदू कर दिए, तो वो हिंदोस हो गया अथवा इंदोस हो गया। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तब से ही लोगों ने हमारे देश को इंडिया कहा जाने लगा। तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई होंगी कि जो इंडिया नाम है वो कहाँ से आया है ना। तो इंडस मतलब जो कि संस्कृत शब्द में सिंधु को क्या कहा जाता है, इंडस कहा जाता है। और जब ईरानिया और यूनानिया ने सिंधु को ह से प्रोनाउंसिएशन करने लगे तो वो हिंदोस अथवा इंदोस हो गया। ऐसे में हमारे भारत का नाम अभी क्या हो गया, इंडिया हो गया। ये कैसे हुआ अभी आप लोगों को समझ में आ गया। अब भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक मतलब यहाँ से 3 से 3500 वर्ष पुरानी श्रृंगवेद से भी मिलता है। मतलब अगर अभी आप श्रृंगवेद को अगर देखें 3500 वर्ष पुरानी, तो वहाँ से भी आपको जो भरत नाम है उसका उल्लेख वहाँ पर मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इस तरीके से भारत का नाम इंडिया पड़ा, कैसे, इंडस और जो संस्कृत का वर्ड है ये आपको यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को समझना चाहिए कि जो अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं वो इतिहासकारों ने कैसे उसको बनाया, कैसे उसको चीज़ों में लाया, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अतीत के बारे में कैसे जानने से पहले हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेंगे कि अभी हम लोगों को ये सब चीज़ों के प्रमाण मिलते कैसे हैं। ठीक है, तो ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, तो यहाँ पर आपको एक पांडुलिपि दिख रही होंगी। पांडुलिपि एक लगभग ऐसी चीज़ होती थी जिसके ऊपर बहुत वर्षों पहले लिखा जाता था। ताड़पत्र हो गए, पत्तों के ऊपर लोग लिखते थे। ठीक है, तो पत्तों के ऊपर लिखने के बाद ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, अभी हमारे पास किताब है, पेजेस है, तो हम पेजेस के ऊपर लिख पाते, उस समय ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो लोग ताड़ के पत्तों को काट कर अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये पांडुलिपि है जिसको 1000 वर्ष पहले लिखा गया है। क्या होती है पांडुलिपि, हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग देखेंगे कि अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जैसे आज हम लोग 2023 है, अगर हम लोगों को इतिहास को पढ़ना है, समझना है, तो हमको इतिहास में जाकर ऐसी ही कुछ पांडुलिपि को हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाती थी। मतलब ये जो ताड़पत्रों के ऊपर या पत्तों के ऊपर जो लिखा जाता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को प्रयुक्त होने वाला क्या कहते हैं हम इसको, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि एक लैटिन शब्द है मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ, मतलब हाथ से लिखते थे करके पांडुलिपि है। और मैन्यू मतलब मैन्यू स्क्रिप्ट, मतलब जो लैटिन शब्द मैन्यू है उससे ये आया है। मैन्यू मतलब क्या होता है, हाथ से लिखने वाला। ये पांडुलिपियाँ प्राय तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़
की चाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पे लिखती हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन सी भाषा में लिखी गई है पांडुलिपि। तो उस समय की भाषाएं भी भिन्न थी, लोगों का तरीका भी भिन्न था, तो ये अभी आप लोग नहीं पढ़ सकते हो। अभी अगर आप लोग लिख रहे हो है ना, तो अभी बहुत मॉडर्न ज़माना आ गया है, पर उस वक्त जो उनकी भाषा थी वो हम लोग अभी आसानी से उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, अब इतने साल हो गए, हजारों साल हो गए, तो कई पांडुलिपियों को क्या कर दिए, कीड़ों ने खा लिए, तक कुछ नष्ट कर दी गई है। मतलब इतने समय होने के बाद कुछ पांडुलिपियों को तो कीड़े ने खा गए और कुछ अपने आप समय के हिसाब से वो नष्ट हो गई। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं जिनको अभी तक भारतीय मंदिरों में और विहारों में रखा गया है, या फिर ये वहाँ से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों से चर्चा मिलती है। तो आप लोग जब इन पांडुलिपियों को देखोगे, इनकी लिखावट को देखोगे, तो उस समय पर वहाँ के लोगों ने इन पांडुलिपियों पे वहाँ की औषधियों का नाम, राजाओं के जीवन के बारे में और मान्यता व्यवहारों के बारे में लिखा है, जो आज हम लोग अपनी संस्कृति को मान रहे हैं वो कई हज़ारों वर्ष पहले इन लोगों ने लिख कर चला गया है और आज हम लोग इनके ऊपर इनको फॉलो कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक भी हैं। ऐसे कई हजारों साल पहले हमको कई ऐसे पांडुलिपियाँ मिली हैं जिसमें कविताएं लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं। इनमें से कई संस्कृत में भी लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस समय, जो प्राकृत भाषा थी उसका आम लोग भी उपयोग किया करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने शासकों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो ये आपको जो पांडुलिपियाँ दिख रही है, उस समय के कई राजाओं को बहुत शौक था कि वो जो हो रहा है उस समय वो किसी से बोलकर लिखवाए और वो लिखने के बाद लोग उनको पढ़े। ये उनकी हॉबीज़ थी कि उनको ये सब चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता था करके। उस समय उन लोग पांडुलिपियाँ हाथ से लोगों द्वारा ये सब चीज़ें लिखाते थे, है ना, कि लोग उनको पढ़ सके। उसके बाद कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। अब अभिलेख क्या होता है, हमारे अतीत में क्या होता है, बहुत साल पहले ऐसे ही जो हमको प्रमाण मिले हैं उनको हम अभिलेख कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो आपको अभिलेख दिख रहा है इसको अभिलेख बोलते हैं, बहुत वर्षों पुराना, तो ये हमको अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासन के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। मतलब जो अशोक नाम के जो शासक थे उन्होंने ये लिखवाया था। इस अध्याय के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कौन था, किसने लिखवाया, क्या लिखा है, ये सब हम लोग जब 8वां चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हमारी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानियों तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। मतलब ये अभी हम बोल रहे थे ना कुछ समय पहले कि इसको आप पढ़ नहीं सकते हो, तो ये इन भाषाओं में लिखे गए हैं। तो आप यूनानी तो एक बार का सीख सकते हो, लेकिन आप लोग अरामेइक जैसी लैंग्वेजेस को आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इन अभिलेखों को पढ़ सकते हो। उसके बाद जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कई बड़े बड़े राजा रानियों ने भी इन सब चीज़ों को लिखवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। मतलब उस समय के जो राजा थे, रानियां थे, बड़े बड़े शासक थे, वो क्या करते थे कि कोई युद्ध होता था तो उन युद्ध को वो लिखवा लेते थे। इसी से आज हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं, इतनी जो हमको चीज़ें मिली है वो उन लोगों की बदौलत है जो उस समय पर उन लोगों ने उस चीज़ों को लिखवाया और आज हम उन चीज़ों को
पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? अब बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि ये जब अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि पांडुलिपियाँ जो थी वो ताड़पत्तों में लिखी जाती थी, तो ताड़पत्र क्या हो जाते थे, कीड़े उसको खा जाते थे, नष्ट हो जाती थी वो। तो अगर हम लोग कठोर सतह पर लिखेंगे तो वो बहुत समय तक, जैसे अभी आपको ये दिख रहा है, इसको लगभग 2,500 साल हो चुके हैं और इसलिए आप इसको पढ़ सकते हो। तो इसीलिए इन जो लेख है इनको कठोर सतह पर लिखाए गए। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? हाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ ज़रूर आती होंगी, पर ये अभी तक है क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर इस कड़क सतह पर हम लोग लिख रहे हैं तो हमको समय ज़्यादा लगेगा और उतने अच्छे से जो आपकी लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर परिभाषित नहीं हो पाएंगी, इसीलिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन थी कठिनाइयाँ है जो कि लेख लिखने पर कठोर सतह पर आई होंगी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब ये पुरातत्वविद क्या होता है, जो कि ऐसी, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुओं में अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसे जो विषय है या जो हमारे अतीत के ऊपर जो लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, जैसे आप लोगों को ये दिख रहे हैं आभूषण, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। है ना, क्या करते थे पुरातत्वीय जो इतिहासकार होते हैं या अभी ये सब चीज़ों की जो पता कर रहे हैं उनके, उन्हें क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, इन सब चीज़ों को छानबीन करके प्राप्त करते थे। तो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बाएं में अगर आप देखते हो, प्राचीन नगर से प्राप्त है, इस सतह के पात्रों का प्रयोग 4,700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में आप देखोगे एक पुराना चांदी का सिक्का है, इस तरह के सिक्कों को लगभग आज से 2,500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों के कैसे भिन्न है, मतलब आज हम लोग जो 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का जो यूज़ कर रहे हैं वो इनसे कैसे भिन्न है वो आपको बताना है। उसके बाद इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती है, ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो कि पक्की मिट्टियों का उपयोग करते हैं, बहुत ही अच्छे धातु का उपयोग करते हैं, जिन सब चीज़ों से बनी होती है तो ये जल्दी नष्ट नहीं होती है, तो इसीलिए उन लोगों ने इस सब चीज़ों का उपयोग किया। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, क्योंकि उन हड्डियों से, मछलियों से, चिड़ियों से और जानवरों से उनके अतीत का पता हम कर सकते हैं। इनमें उन्हें यह जानने से ही मदद मिलती है कि जो अतीत में लोग क्या खाते थे, और जैसे आपको पता है कि जो अभी हमको अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें वनस्पतियों के बारे में लिखा गया है, तो वहाँ से ये प्रमाण मिलते हैं कि उस समय के लोग किस तरह की वनस्पतियों का सेवन करते थे और कैसे उससे अवशेष मुश्किल से बच पाते थे, मतलब जो चिड़िया है, मछलियाँ है, हड्डियाँ है, वो कैसे अवशेष आज तक, मतलब लगभग 4,500 साल तक बचे हुए हैं, और उससे ये लोग जो पुरातत्वविद लोग हैं वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपको बताना है, क्या पुरातत्वविदों को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? उसके बाद जो पांडुलिपियाँ थी, अभिलेख थे तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें क्या कहते थे, जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन लोगों को इतिहासकार कहते हैं। तो इस स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप पर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है या जो हमारा अतीत है या उन समय जो चीज़ें घटी, उन सब चीज़ों को आज पढ़ना जानना इतना आसान इन इतिहासकारों तथा इन पुरातत्वविद के कारण
हुआ है, ठीक है, जो कि जासूसों की तरह इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, और हमको इतिहास की जो जिज्ञासा है, जो हमको उसको जानने के लिए हमको जो अट्रैक्ट करती है, उन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें क्यों अवेलेबल है, क्योंकि ये इतिहासकार और जो हमारे पुरातत्वविद हैं, इन लोगों की मेहनत है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि अतीत एक है या अनेक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पुस्तक के जो नाम है वो क्या है, हमारे अतीत, है ना, हमारे अतीत है। तो अब यहाँ पर है कि जो हमारे अतीत है वो एक है या अनेक है। तो आप लोग देखे होंगे, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक पर अतीत पर ध्यान दिया है, जो मैंने आपको बताया हो, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है ना। देखो, हमारे अतीत बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए अतीत अलग अलग मायने हैं। जो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ों का अतीत समय के हिसाब से अलग अलग होता है। राजाओं का अतीत अलग था, जो लोगों ने इन सब चीज़ों की खोज की है उनका अतीत अलग है, आपका अतीत अलग है, हमारा अतीत अलग है। इसीलिए जो यहाँ पर शीर्षक में हमारे अतीत का उपयोग किया गया है, वो एक बहुवचन शब्द है, ठीक है, कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जो मैंने आपको बताया कि राजा रानियों का जीवन अलग था, जो पशु पालते थे उनका जीवन अलग था, जो कृषि करते थे उनका जीवन अलग था, करके जो किताब का नाम रखा गया है वो बहुवचन जैसे कि हमारे अतीत पर रखा गया है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज आप अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ के करते हैं, और आप लोग ये चीज़ों को अभी भी देख सकते हो कि उन समय पर और आज के जो अधिकांश लोग हैं अंडमान द्वीप में रहने वाले, या फिर जो भी निकोबार के आसपास जो लोग रहते हैं, वो मछलियाँ पकड़कर उनको शिकार करते हैं तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। एक बहुत आम सी बात है कि जैसे हम लोग जो किसान होते हैं वो खुद चावल उगाते हैं, खुद अनाज उगाते हैं और खाते हैं, पर जो शहर के लोग होते हैं, क्या वो भी जाके खेती करने लगते हैं? क्या नहीं, वो लोग उनसे खरीद लेते हैं। तो उस समय भी ऐसा होता था कि कुछ लोग खेती करते थे, पर कुछ लोग जो लोग शहर में रहते थे वो उन व्यक्तियों पर निर्भर होते थे। जैसे आज भी हम लोग बोलते हैं कि जो भारत है हमारा कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब है कि कृषि करने वाले लोग और यहाँ पे जो मेनली 80% लोग हैं वो इन किसानों पर निर्भर आज भी है। इस तरह के भेद अतीत से विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि आज उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। आप लोग इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हो कि आज भी हमारे पास जितना भी इतिहास मौजूद है वो इतिहास आज भी है, और आज भी हम उसको पढ़ते हैं, जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये जो मछुआरे थे, है ना, उसके बाद संग्राहक थे, जो कृषि करते थे, जो पशु पालते थे, वो लोग इन सब चीज़ों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और जो राजा थे, रानियां थे, लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन सब का प्रमाण हमको आज भी मिलता है। तो पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को हमको जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जाना शेष है। अगर हम लोग इनके बारे में जानना शुरू कर दें तो अभी ऐसी बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जो हम इनके रहस्यों को जान सकते हैं, ठीक है। तो अब तिथियों का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एक बार समझे, एक और बार हम लोग इसको रीड कर लेंगे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन, तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी वर्ष से कोई वर्ष बताओगे। जैसे अगर आपको कोई पूछेगा कि कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 2023 चल रहा है। तो ये जो 2023 हम लोग बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं? वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से ली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और वहीं से हम लोगों ने तिथियों को
गिनना शुरू किया और आज हम 2023 बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म को उस समय से आज तक 2023 साल हो चुके हैं, ठीक है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसी पूर्व ईसा से पहले के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मान के वर्तमान में पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। मतलब हम लोग इस आगे की जितनी भी हमारे लेक्चर्स हैं, जितने भी हमारे अध्याय हैं, उन सब को हम लोग 2000 का आरंभिक बिंदु मानेंगे और हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद ये हम लोगों ने समझ लिए कि क्या होता है BC, क्या होता है BCE, क्या होता है CE और क्या होता है EC, ठीक है। उसके बाद अन्य अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो अभिलेख है कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, जिनमें से कई अभिलेख कई वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों की लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा तथा लिपियों में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। मतलब अभी जो प्रमाण मिलते हैं उनके लिए अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग प्रक्रियाओं का उपयोग करके जो इतिहासकार है, जो पुरातत्व लोग हैं, वो लोग इसको पता लगाते हैं। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, ठीक है। उसके बाद मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटो नामक एक कस्बा है। यहाँ के ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, जैसे कि यूनानी मिश्र लिपि के दो प्रकारों में से है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि ये राजाओं तथा रानियों के नाम के छोटे से फ्रेम दिखाए गए हैं। इसे कारतूश कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिश्र संकेतों को अगल बगल रखे मिश्र अक्षरों का समानार्थ ध्वनियों की पहचान की। जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एक अक्षर के लिए एक ए और अलग अलग अक्षरों का या फिर चिड़ियाओं का या फिर चित्र बने हुए हैं उनको पहचानने के लिए। उसके बाद एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के इनके लिए उसका उपयोग होता है, प्रयुक्त होते हैं, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़ सके। मतलब उन लोगों ने उसको पता किया, उन रहस्यों को सुलझाया और आज हम लोग ये जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो इतिहास पढ़ रहे हैं, वो सब उनकी देन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कल्पना करना है और ये कल्पना जो मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछो खुद से, जो कल्पना करो वे आपको सच में करना है। तो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम उन लोगों से पूछोगे। मतलब ये लोगों जो ने जो लिखा है, जो पुरातत्वविद काम करते हैं, तो ऐसे कौन थे 5 क्वेश्चन हैं जो अगर आप उनसे मिलते हो तो आप पूछोगे, आपको ये सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द हैं, उन उपयोगी शब्द को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने यात्रा है ना, ट्रैवलिंग पांडुलिपि हमको पता है, तो ये इसीलिए आखिरी में दिया जाता है कि अगर आप लोगों ने पढ़े हो, आप लोग को समझाए, तो ये वर्ड्स आप लोग अभिलेख जो हम लोगों ने जो मिले बहुत वर्षों पहले, पुरातत्व जो लोग इसकी पढ़ाई करते थे, इन लोगों ने इतिहासकार जो कि लिखते थे, स्रोत मतलब बहुत सारे संसाधन जो मिले, अज्ञात लिपि की अर्थ निकालना, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आप लोगों को प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ, तो 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, मतलब उस समय के लोग कैसे खाद्य संग्रह के या फिर भोजन के लिए कैसे उसका उसकी खोज करते थे, कैसे खाते थे, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।